ये निकाल दिया है इसको, इसको निकाल दिया। ये सारे बोल्ट खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ही वन वे कहाँ पे लगा होता है, कैसे सही होगा, आपको मैन्युअली समझाएंगे किस तरीके से सही होगा रिपेयरिंग करके। इसका वन वे जब ख़राब होता है तो सेल्फ जो है आवाज़ आती है शाएँ शाएँ की। अब मोबियाल के नट सारे, मोबियाल खोलना पड़ता है, उसका बोल्ट खोलना पड़ता है। ऑयल पूरी तरीके निकाल लीजिए, उसके बाद सारे बोल्ट निकल चुके हैं, क्लच को दबाइए और क्लच तापा धीरे धीरे बाहर कर लीजिए आप, धीरे धीरे जो भी मोबियाल इसके अंदर है वो आराम से आपका निकल जाएगा, आसानी से इसको इस तरीके से बाहर कर लीजिए आसानी से। यह आपका टापा हो गया बाहर, इसको हल्का सा इसे इधर निकालिए, इसको यहाँ अब बंद करें, क्लच पिन निकाल के रख लीजिए वरना दिक्कत हो। ये है टाइमिंग चैन एडजस्टर, इसको इस तरीके से नट को खोल लीजिए आप, और आप कायदे से धीरे धीरे आप इसको खोल लीजिए। एक एक बोल्ट वायर हो गया, पांच नंबर एलकी लगा होता है एलंकी से, इसको निकाल लीजिए। ये आपका निकल गया टाइमिंग चेन रजिस्टर, और याद रखिए यहाँ पे लगी होती है एक रबड़ जो इसके नीचे चिपक जाती है, ये रबड़ को आसानी से निकाल लीजिए, इसको इस तरीके से निकाल के आराम से रख लीजिए। ये बहुत टफ है, ये 17 नंबर बोल्ट लगा, इसको हम पहले से खोल चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं खोल के। वन वे अगर डाला जाता है तो आप क्लच प्लेट साथ में निकालते हैं, हम वन वे को शॉर्टकट में, ये देखिए एक क्लच प्लेट है, क्लच कट हो रहा है, ये क्लच प्लेट है, इसको पूरा खोलना पड़ता है। लेकिन अगर वन वे को निकालना है तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, खाली आँख ऐसी एक इस तरीके से राड लगाइए, यहाँ से पेचकस लगाइए नीचे, इसको इस तरीके से यहाँ पे लगाइए राड, एक लगाइए पेचकस, हिला लीजिए इसे ऐसे, और धीरे धीरे वन वे को निकालिए आप धीरे धीरे। ये वन वे हो गया बाहर, ये वन वे हो गया बाहर, अब आपको दिखाते हैं ये वन वे यहाँ पे, ये वाशल पड़ा हुआ है मोटा, ये पड़ना ही चाहिए वन वे के पीछे, ये कॉलर में होता है इस रूप रूप, और ये निकाल लिया हमने वन वे, और ये है वन वे। अब इस पर ये गया कट, देख लीजिए ये कट गया है, ये कट गया है, और जाहिर सी बात ये भी कट गया है, ये ऐसे फ़र्क क्या आया है, ये तो दोनों वन वे कट गए हैं। अब ये होगा कैसे, संभवतः आप सोच रहे होंगे नया डालेंगे, हम नया नहीं डालेंगे लेकिन इसको ऐसे ही बनाएंगे, अभी आपको दिखाते हैं बना के। अब इसको सील्ड पैक को हम ओपन करते हैं, वन वे बैरिंग है इसमें, वेरॉक का बैरिंग है, ये वेरॉक का वन वे, इसको हटाते हैं, ये सील्ड पैक बैरिंग है वन वे का, वन वे बैरिंग को ये लग गया, ये हिस्सा जो होता है इसको नीचे लगाना पड़ता है, ठीक, ये इस कॉलर के नीचे, ये देखो बैठ गया। अब ये हमने वन वे ले लिया, वन वे हमने लगा दिया, अब क्या है इसमें, इसमें ना कटने का तरीका ये है, नया हम आपको बताते हैं। इसमें एक डाला जाता है लिक्विड स्प्रे, अब बैरिंग पे डाल लें हम लिक्विड स्प्रे थोड़ी सी,
हमने डाली, ठीक है। अब स्प्रे, अब स्प्रे इसमें डाल दी, अब हम लगाते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम फिट करते हैं। अब खोलते हुए देखा हमने इस बैरिंग को लगा दिया, अब बैरिंग, अब हम टाइमिंग इसकी चैन में इस तरीके से फंसाना है इसको, इस तरीके से बहुत आसानी से फंसाना है। और आप देख लीजिए इसको फंसाना भी बहुत आसानी से है और लगाना भी। इसको हमने टाइट कर दिया, दिखा नहीं सकते आपको लेकिन टाइट कर दिया, थोड़ा टफ था सिंगल एंड। अब इसको इस तरीके से इस चैन को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में इसमें एक स्प्रिंग और एक लॉक बोल्ट पड़ता है, इस तरीके से बैठा के इसको इस तरीके से लगा देना, यहाँ ये लगा देना, ये आपका लग गया बोल्ट। इसको रिंच से टाइट करना है, आखिर पाने से टाइट करने नुकसान हो जाएगा, टूट सकता है, ऑयल ना लीक हो इतना स्पेस। ये टाइट हो गया फर्स्ट क्लास। अब क्या करना है आपको, अब 1917 नंबर पाना लेना है, इसको यहाँ लगाना है, इसको टाइट करना है, ठीक है। अब ये टाइट हो चुका है, ये दबा नहीं सकते, आपको पुलर लगा के टाइट करना पड़ता है, वो आम चीज़ जो मिस्त्री होगा उसके पास होंगे ही पुलर। और यहाँ पे लगाना है कॉलर को, तो हल्की सी ग्रीस ही लगा के, हल्की सी दो तीन जगह पे आपने ग्रीस लगा दी, क्योंकि ये निकले ना, यहाँ पे हमने बैठा दिया, आसानी से बैठ गया। इसमें क्या करना है, कोई भी धूल नहीं। क्लच बैरिंग, इसको हमने यहाँ पे क्लच बैरिंग को सपोर्ट में लगा दिया, इस पर क्लच पिन लगती है तो इसको यहाँ पे लगा दिया। अब हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया, हमने वन वे बैरिंग डाला है, क्लियर वन वे बैरिंग पड़ गया है बिल्कुल फाइनली। अब इसको हम लगाते हैं स्टापे को, फाइनली इसको हमने कोशिश ये है इसको फिट करना है, और ये हमने बिल्कुल बैठा दिया। अब इसमें लगाते हैं बोल्ट, और बोल्ट लगा के आपको टाइट करके दिखा, चाबी लगा दी, ऑन कर दिया, ये न्यूट्रल लाइट जल रही है, ये बैटरी पूरी है, और मार्केट चल गाड़ी स्टार्ट कर। आप देख सकते हैं वन वे का काम करने लगा है, वन वे बिल्कुल कंप्लीट है, कोई